अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीलॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट भी बिल्कुल खैरियत से है। मैं अभी ऑफिस में हूँ, आज थोड़ा सा लेट व्लॉग शूट कर रहा हूँ, चश्मा बार बार टेढ़ा हो रहा है इसलिए सीधा कर रहा हूँ। तो ये कि आज की एक्टिविटी फिर हम रिकॉर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा 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 जो है ना, मैं रिकॉर्ड करता रहा कुछ ना कुछ। तो ये अभी फ़िलहाल मैं अपने एक रूम में आया हुआ हूँ, तो ये कि मैंने कहा कि वहाँ मुझे टाइम नहीं मिल पाता ऑफिस में। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे कि डेली आपके साथ अटैच रहें, व्लॉग बनाएं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तनवीर अहमद वाइब्स यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें। टिल देन अभी मिलते हैं कुछ देर के बाद, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। गाइस, ये आपको ऊपर कैमरे नज़र आ रहे हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस वाला नहा भी हो और कोई सिग्नल तोड़े तो ये कैमरे क्या करते हैं, उसकी गाड़ी की पिक्चर खींच लेते हैं और पिक्चर खींचने के बाद उसका चालान उसके घर पे आ जाता है। तो ये सिस्टम जो है, ये मैंने इस्लामाबाद में देखा है, लाहौर में देखा है और कराची में फ़िलहाल मैंने नहीं देखा था। अब आई डोंट नो कि कराची में भी ये सिलसिला शुरू हो गया या नहीं, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे लोग ये सिग्नल नहीं तोड़ते और बड़े इंसान बन के गाड़ी चलाते हैं मुझ समेत। तो ये कि क्योंकि मैं भी जब जल्दी में होता था तो सिग्नल तोड़ देता था, लेकिन ये कि नहीं, अब आपने सिग्नल तोड़ा नहीं, 500 रुपीज़ आपका चलान आ गया। और दूसरा, सिर्फ ये सिग्नल को नहीं देखता, ये बकायदा रेस को भी देखते हैं कि अगर गाड़ी की जो स्पीड है 60 रिकमेंडेड है, अगर आप उस 60 से ओवर चले जाते हैं 70, 5-10 की छूट होती है, लेकिन ये कि उसके ऊपर फिर ये चलान आ जाता है, ये भी आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगा। और अगर घर के एड्रेस पे नहीं भी आता तो ये आपको खुद चेक करना होता है ऑनलाइन जाके। और अगर आप ऑनलाइन जाके चेक नहीं करते, 3-4-5 हो जाते। हमारे ऑफिस की गाड़ी के साथ ऐसा हुआ था, हमें पता नहीं था। तो जब बाद में क्या हुआ कि गाड़ी जा रही थी, तो ये सेफ सिटी कहलाता है ये ना, तो इन्होंने कॉल की ट्रैफिक पुलिस वालों को, उन्होंने वहीं नंबर देख के गाड़ी रोक ली। मैं हैरान हो गया, क्या सिस्टम है वैसे, बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने वहाँ से कॉल की, पहले एक कैमरे से देखा गाड़ी गुजरी, इसको रोके, इसके चालान पे नहीं हुए, तो उसके चालान उन्होंने रोका, चालान पे करवाए, उसके बाद जाने दिया, है ना सिस्टम। तो ये यहाँ पे ये चीज़ हो गई, इससे काफ़ी कंट्रोल हो गया। और दूसरा, हेलमेट की बड़ी पाबंदी से काम करवाया, तो हर दूसरा बंदा हेलमेट पहनता है यहाँ पे। मैंने कहा आज सोच रहा था कि ये दिखाऊँ आपको ना ज़रा कि यहाँ क्या सिस्टम है, ताकि कराची में भी काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे अपने दोस्त यार सारे लोग हैं, तो ये वो भी देखेंगे क्या सिस्टम्स हैं यहाँ पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं लाहौर पहुंच गया था, और ये कि आज एक बहुत ही एक अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर क्या है कि फाइनली मेरी गूगल एडसेंस पिन आ चुकी है, अब मैं अपना अकाउंट वेरीफाई करूंगा। ये देखें आ गई है, ये तकरीबन मेरे ख्याल से इसको मैंने अप्लाई किया था, ये तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने के बाद जाके ये आई है। तो ये कि इसको हम ओपन करेंगे, अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे, और ये कि फिर हम एटलीस्ट हमारा इन ऑर्डर हो जाएगा अकाउंट सारा ना। तो हालत थोड़ी सी अजीब सी हुई है, अपने आप को भी सेट वेट करना है यार थोड़ा सा। तो ये कि फ़िलहाल मेरी एडसेंस पिन आ गई, और यही सबसे मुश्किल काम होता है, ये पहुँचती नहीं है लोगों के पास, 2-2 महीने 3-3 महीने हो जाते हैं, फिर वो अप्लाई करते हैं, तंग आके वो लोग छोड़ देते हैं। तो मैंने सेकेंड टाइम दोबारा कर लिया था, क्योंकि 3 हफ्ते में नहीं आई थी, ये दोबारा कर चुका था। तो तकरीबन इसको नहीं, 2 महीने नहीं हुए मेरे ख्याल से, मुझे तकरीबन 1.5 महीना या 1.5 महीना हुआ है ये उस वक्त आ गई फाइनली। चलें आइए, अब अच्छा हो जाएगा कि अकाउंट इन ऑर्डर हो जाएगा और वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप लोगों ने सपोर्ट करना है, अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को आगे लेके जाना है, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं कुछ देर के बाद, अभी मैं ऑफिस में हूँ, लंच टाइम था, वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अब नेक्स्ट हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे जब घर जाएंगे। चलें, विल बी राइट बैक सून। तो फाइनली इसको अब ओपन करते हैं,
अब एंटर करते हैं इसे। जब हम वेरीफाई योर आइडेंटिटी करने लगे एंटर करते, अब इस तरह से लिखा हुआ आ गया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एड्रेस वेरिफिकेशन नाउ का वर्क इज कंप्लीटेड। गाइस तकरीबन टाइम हो गया है 7 बजे का, तो मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया ऑफिस से। जब लेट हो गया तो सोचा फिर नमाज पढ़ के ही निकलते हैं इतनी जल्दी, फिर अब क्या रास्ते में फिर देर हो जाएगी। तो अब ये कि घर जा रहा हूँ, आज थकन भी बहुत है, अभी तक वो कराची वाली थकन भी नहीं उतरी है। तो ये कि अभी घर जा रहे हैं, अभी रास्ते में हूँ, घर पहुँचते हैं। आज थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम देंगे, और अब क्या करूँ, एडिटिंग भी करनी है, 2-3 वीडियोस भी पड़ी हैं उनको एडिट करना है। तो ये कि वो भी काम अलहदा है। एक देखा जाए ना, मेरी लाइफ बड़ी मसरूफ़ है यार। आप अगर देखें तो सुबह से बंदा, मैं ऐसे जाता हूँ ऑफिस जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है, ये टाइम होता है हमारा। उसके बाद आते आते देखें सबके साथ आ रहा होता हूँ, चाहे जिनका 10 बजे भी ऑफिस लगता है वो आ मेरे साथ ही रहे होते हैं। तो टाइमिंग थोड़ी सी है, लेकिन कोई नहीं, इंसान मेहनत करता है, कोई परवाह नहीं इस चीज़ की। लेकिन ये कि अब थोड़ा थोड़ा ना थकान हो रही है कि विदाउट रेस्ट किए कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ पिछले 1.5-2 हफ्ते से। तो इसलिए ये कि अब घर पहुँचते हैं। आज वो मैंने आपसे जिक्र किया था, बड़ी एफर्ट्स के बाद शुक्र है कि गूगल एडसेंस की पिन आ गई है फाइनली। तो अब मेरे दोस्तों, हमने अपने अकाउंट को कर लिया वेरीफाई, अब वो टेंशन भी ख़त्म। अब हमने वीडियोस बनानी है, वीडियो अपलोड करनी है। कामयाब आप लोगों ने करना है, कामयाब अगर आप लोग नहीं करेंगे तो यार मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा। ठीक है, आप लोगों ने उसको करना है, देखना है। अब चलते हैं घर, घर बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे। आज थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठे हैं, टाइम नहीं होना है, उसके बाद फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके, विल बी राइट बैक सून। पता है फिलहाल ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट से मैं घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये कि जल्दी पहुँच सकें।